पूरा डायमंड मार्केट रहता था तो अभी बहुत भीड़ है, लेकिन अभी मोस्टली सब पार्सल ही जाते हैं। डाल दो डाल दो, अपने हिसाब से डाल दो, मुझे कुछ नहीं पता कैसा है। अभी मैं देख रहा था, बना रहे थे आप। अच्छा तो ये मतलब ढोकले से कैसे अलग रहेगा? डेंजरस होता क्या? हाँ। जलेबी फाफड़ा कैसे खाते हैं? जलेबी ली, थोड़ा सा जेठालाल की तरफ फाफड़ा लिया। हाय गाइस, तन्वी दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और मुंबई की गर्दी संडे स्पेशल्स के इस एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं चटनी रोड का बहुत ही टेस्टी खाना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेस्टी खाने की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। मिक्स करके लगा, मिक्स लगा दो अपने हिसाब से। क्या इनका कुछ चटनी का कुछ खेल कैसे है ना? कैसे दिखाओ जरा। आप ऐसा करो, दो प्लेट लगा दो, खाने वाले बहुत लोग हैं। ये गाढ़ी चटनी ऐसे सेम रहती है क्या कि ये इसको लिक्विड करते हैं? इसमें लिक्विड डालना पड़ता है। अच्छा, वही मतलब चटनी सेम ही है बस। मैं आपकी गाढ़ी चटनी की बड़ी तारीफ सुनी भाई, देख लो कितना। डाल दो डाल दो, अपने हिसाब से डाल दो, मुझे कुछ नहीं पता कैसा है। क्या प्राइस क्या है इसका? 25 रुपीज भाई, आराम से इसमें खा लेंगे। ये अभी फ्रेश बैच निकल के आया ना, कितने बजे तक रहता है वैसे? 3 बजे तक रहता है। अभी जस्ट हम लोग आए हैं लास्ट बैच से, एक बैच पहले। ये लग चुकी है हमारी इडली और वड़ा की प्लेट, स्पाइसी है ये ना। इसका प्रॉपर एड्रेस अगर मैं बताऊं, आर्यन स्कूल के सामने भाई, क्या खतरनाक वाली जो सूखी चटनी है ना, इतनी स्पाइसी है। मेरे को तो यहाँ पे समझ आ रहा है ना, मुंबई में ना जगह जगह पे आपको ऐसे सेटअप मिल जाएगा इडली और वड़ा का, उसकी जो चटनी होती है ना भाई, दैट इज़ टू डाई फॉर, इतनी टेस्टी होती है। सूखी चटनी है, सुपर स्पाइसी, उसको डाइल्यूट कर देते हैं फॉर नॉर्मल पीपल। एंड एक ये और टमेटो वाली चटनी मिली है, ये देखो इडली टूट रही है। ओ, क्या मेसी मामला हो गया। सो नाइस, आओ लेके चलते हैं आपको दूसरी जगह पे। दिस जायका इज फुल पास। इस दुकान का कोई नाम नहीं है, पंजाब एंड सिंध बैंक के बाहर, ओपरा हाउस चन्नी रोड के आर्यन स्कूल के सामने, एड्रेस फुल ओपी। अभी आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया से सेव खमनी। ये मतलब ना ऐसे ढोकला आपने खाया होगा, ड्राई ढोकला, उसको ऐसे कुछ करते हैं, कुछ दिखाते हैं क्या चीज़ है। राजू भाई बहुत फेमस है यहाँ पे चन्नी रोड पे। क्या खमन को ऐसे चूरा चूरा करके बनता है? हाँ, ये चने का दाल का ढोकला रहते हैं, सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक। अच्छा, और क्या दाम रहता है? हाँ, 20 रुपीज पर प्लेट। आपका क्या नाम है? मेरा राजू भाई नाम है। राजू भाई एक प्लेट खाने के लिए भी लगा दीजिए। हाँ। अभी मैं देख रहा था, बना रहे थे आप। अच्छा तो ये मतलब ढोकले से कैसे अलग रहेगा? मुलायम रहेगा एकदम। हाँ, इसमें राई, हींग, शक्कर, नमक। कितना समय हो गया आपको यहाँ? 20 साल हो गया। अच्छा, पहले यहाँ हीरा बाजार था, डायमंड मार्केट था। हाँ। अभी 5 साल से बीके सी बांद्रा शिफ्ट हो गया पूरा मार्केट। अच्छा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। हाँ। अभी इतना पब्लिक नहीं है, पहले से बहुत कम है यहाँ पर। अभी इसका एड्रेस क्या पड़ता है इसका? चन्नी रोड, टाटा रोड, ये चन्नी रोड है। हाँ। डायमंड मार्केट बोलते हैं, चन्नी रोड डायमंड मार्केट में राजू भाई का सेव कंपनी। हाँ, डायमंड मार्केट, ओपेरा हाउस, पब्लिक सब बीके से चला गया बांद्रा। अच्छा, तो आपने कैसे शुरुआत करा इसका, मतलब कैसे ख्याल है सेव कंपनी का? स्टार्टिंग में यहाँ सब व्यापारी लोग थे। हाँ, तो वो गुजराती लोग थे, गुजराती लोग, काठियावाड़ी जैन लोग, जैन लोग सब थे। तो वो तब उनका रिक्वायरमेंट था कि भाई ये सब हो, तो आपने सोचा कि ये खाते हैं, मतलब करते हैं। फाफड़ा वाला पाटिल जूस है बाजू में। तो अभी सिर्फ सेव कम नहीं रहता आपके पास? मेरे पास सेव कम, एक ही चीज रहता है, फाफड़ा वहाँ, पाटिल जूस अपना रिलायंस बड़ा पाटिल। अच्छा, ये आप तीनों का अलग दोस्ती है? हाँ, मतलब आपने एक ही चीज 20 साल से चला रहे, वही लोग खाने आते हैं। बरोबर। आप कहाँ से? गुजरात से। मेरा जन्म मलाड़ में हुआ है। अच्छा, काठियावाड़। ये सूरत का आइटम है, सूरत का स्पेशल सेव कमनी। खाया था सूरत में भी, खाया था हमने। मैं कांदेली से अप डाउन करता हूँ। अच्छा, लेकिन वो थोड़ा लिखने वाले ने मिस्टेक कर दिया कि सूरत से अप डाउन करते हैं। हम मिस्टेक नहीं करेंगे। ऐसा बोलते ना, मैं कांदीवली से भी अप डाउन, बहुत बड़ा अप डाउन होता है। सुबह 6 का ट्रेन पकड़ 7 बजे यहाँ आता हूँ। फिर 5-6 बजे खत्म होता है, साफ सफाई करके हम लोग फिर घर पे। 12 घंटा इधर रहता है, 12 घंटा कंटिन्यूस खड़ा रहता है। अच्छा लगा मुझे मिलके आपसे, थैंक यू सर। आइए गाइस, खाते हैं राजू भाई का फेमस वाला सेव खमनी। सूरत की खमनी मुंबई में। हाँ, ये भाई याद है,
सूरत में खाई थी एकदम अलग थी, है ना। वो लहसुन लहसुन डाल के पूरा बल्क में देखा था, कंपनी का ऐसा है बनती है तो पूरी एक साथ इतनी सारी बनती है, और फिर उसका जो पूरा तड़का तुड़का लगा के देते हैं ना उसका मज़ा ही अलग आता है। अभी फिलहाल हम लोग हैं चन्नी रोड पे, और राजू भाई से बात करते करते उन्होंने बताया ये पहले होती थी ओल्ड डायमंड मार्केट, अलग अलग लोगों की डिमांड थी, तो ये 20 साल से सिर्फ एक ही डिश दे रहे हैं और ऐसे टेस्ट के साथ दे रहे हैं, लोग पसंद करते हैं। अब वो डायमंड मार्केट शिफ्ट होकर BKC चलेगी तो यहाँ पे लोग कभी कभार तो सिर्फ ये सारी खाने की चीज़ें खाने आते हैं और मज़े से खा के जाते हैं। ऐसी एक और बढ़िया जगह पे आपको लेके जाते हैं कुछ और टेस्टी खाने के साथ, मिलते हैं 5 सेकंड बाद। बहुत पीछे चटपटा खाना हो गया, अब थोड़ा सा ना डाइजेशन करने के लिए कुछ चाहिए। अब वेजी भाजी को डाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए? चिप्स, मसाला चिप्स। दिखाते हैं आपको चन्नी रोड के फेमस वाले मसाला चिप्स क्या है, इसके अंदर ऐसे तड़कता भड़कता एक्शन डालते हैं। मदन भाई क्या खिलाओगे? बनाना वेफर्स। बनाना वेफर्स, मसाला वेफर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मसाला ऊपर से डालते हैं। ये वाला कौन सा चटनी है? आमचूर वाला। आमचूर, अच्छा तो इसमें ये आमचूर वाला चटना थोड़ा अलग रंग का नहीं होता, लाल रंग, ये थोड़ा तीखा वाला लग रहा है। कश्मीरी मिर्ची और वेफर का बुकर है। अच्छा, वेफर का वो चूरा भी डाला हुआ इसमें, और ये अपना नॉर्मल धनिया पुदीना वाला, कोथमीर और पुदीना। कोथमीर और पुदीना, अच्छा बनाओ बनाओ बनाओ। क्या रेट रहता है इसका? 30 रुपीज़ 60 ग्राम। ये 60 ग्राम का एक पूरा पैकेट रहता है? हाँ जी। एक पीस कम हो गया होगा शायद, चलेगा इसके ऊपर चाट मसाला आता है। तो ये स्टार्टिंग से ऐसे ही बन रहा था? स्टार्टिंग से। तुम्हारे लोग कैसे, ख्याल कैसा है? लोग आमतौर पे ये पैकेट लेते हैं, कस्टमर को बेच देते हैं, कुछ उसमें करते नहीं है? नहीं नहीं, हम लोग तो स्टार्टिंग से चटनी के साथ ही। अच्छा, ये आपने अपना ट्विस्ट मारा है। कितना समय हो गया इसको यहाँ पे? 23 ईयर। अच्छा, पहले बात कर रहा था किसी से, बता रहे थे बहुत भीड़ होता था यहाँ पे। हाँ, पूरा डायमंड मार्केट रहता था तभी बहुत भीड़ था, लेकिन अभी मोस्टली सब पार्सल ही जाते हैं। अभी लोग जो पुराने आपके बन गए कस्टमर वो आते हैं। ये क्या ऊपर क्या पड़ा? सेब कम नहीं? कश्मीर पुदीना का चटनी है, ये बड़ा अलग। कश्मीर पुदीना और वेफर का बुका, ये बड़ा अलग चटनी है। मैंने ये चटनी है, चटनी चूरा सा लग रहा है, अलग चीज़ है, मैंने पहले कभी नहीं। कोथमीर का है? कोथमीर पुदीना और वेफर का बुका। बस बढ़िया, पुदीना का अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। गाड़ी कैसे होती है? गाड़ी वेफर का चूरा रहता है वो मिक्सर में। अच्छा, चटनी होती है हर जगह नहीं मिलेगी। ये ऐसा लग रहा है ना कोथमीर वड़ा लग रहा है, या फिर ऐसे सेव खमनी टाइप लग रहा है। ये गुजराती स्पेशल चटनी होती है, बहुत रेयर होती है। काफ़ी अलग लग रही है, बहुत अलग, और इसका खाने का मज़ा ही अलग है। ये कॉम्बिनेशन जो है ना स्पेशल, यही कॉम्बिनेशन। कैसे खाऊँ, मतलब कैसे? कुछ चटनी के साथ में डिप करके, बस डन। इसको ऐसे लपेट के, आपकी ये सूखी चटनी है ना, इसमें पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर है। अच्छा, मेरे को बता रहे थे सारी चीज़ें ये जैन है। ये एक अपना केले के वड़े रहते हैं, केला और वड़ा। अच्छा, केले का वड़ा रहता है? समोसा भी केले के रहते हैं। आलू का इस्तेमाल ही नहीं है? आलू, आलू का इस्तेमाल नहीं, ओनली जैन है। अच्छा, तो ये जैन समोसा है, मतलब केले वाला समोसा है, कच्चे केले का? कच्चे केले, कच्चे केले का ही बटाटा है? नहीं, वड़ा, वड़ा कच्चे केले का वड़ा। गुगली हो गया रे, बहुत अलग चीज़ है, आपको देखने में लग रही होगी। क्या नॉर्मल केले के चिप्स, उस पर चाट मसाला डाला, 2-3 चटनियाँ दे दिए, ट्रस्ट में बहुत अलग है। एक तो इनकी दुकान पे सारी चीज़ें जैन है, सब कच्चे केले से बनाते हैं, बटाटा का यूज़ ही नहीं होता। और मतलब ये वाली जो चटनी है ना, इतनी कमाल की है, इतनी फ्रेशनेस है इसमें धनिया की, पुदीने की, पुदीने की, पुदीने की, ब्यूटीफुल। यहाँ पे आओ और कुछ खाओ ना खाओ, ये सूखी चटनी ज़रूर खाना, कोथिंबीर पुदीने की। चलते हैं किसी और जगह पे, कुछ और बढ़िया जायका दिखाते हैं आपको। अभी टाइम हो गया वीडियो को एंड करने का, और गरम गरम फाफड़ा जलेबी खाने का। अभी हम लोग हैं पंचरत्न जलेबी पे, चंडी रोड पे, ओपरा हाउस के सामने। पूरा एड्रेस बता दिया, अब दिखाते हैं क्या मज़ा है इनकी जलेबी फाफड़ा का। आ जाओ, वहाँ बन गया। क्या लगता है आपको, ये फाफड़ा आम बंदा बना लेगा? हाँ, बना सकता है ना, कोशिश करे तो ज़रूर बना सकते हैं। आप इशारा नहीं समझ रहे मेरा। मैं बना सकता हूँ? हाँ बनाओ ना। डेंजरस होता क्या? हाँ डेंजरस है, तुम बना तो लोगे, हाथ उद का गारंटी मैं नहीं लेता। क्या नाम है आपका? राम। क्या? राम। राम भाई, तो आपके हाथ पे लगा कभी फाफड़ा बनाते हुए?
लगा था थोड़ा, एक दो बार लगा। तो ऐसा होता ना कि बिल्कुल चाकू ऐसे निकालना पड़ता धार। तो फाफड़ा ऐसे देखते हैं ना इतना ऐसे टेस्टी सा होता, बंदा सोचता नहीं कितना ऐसे बनाने में मुश्किल होती होगी। फिर कभी कभार जब बनते हुए देखते हैं और वो भी गरम गरम फाफड़ा, तब पता चलता है भाई कितनी चैलेंजिंग चीज़ होती है। नॉर्मल सी चीज़ टेस्टी जो कभी पता नहीं चलता कि ऐसे बनती है। पंचरत्ना जलेबी हाउस, शाम के टाइम पे आओगे तो गरम गरम फाफड़ा मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा खा के। इधर से फाफड़ा लेते हैं, उधर से जलेबी लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। और कोई तरीका नहीं होता है बनाने का, यही तरीका है। है वो मशीन का भी है पर उससे, पर हाथ से बनाएंगे तो यही तरीका है। यही तरीका। तो फिर मतलब अगर फाफड़ा बनाना सीखना है तो हाथ को थोड़ा दिक्कत देना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत देना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत देना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत देना पड़ेगा। आ जाओ जलेबी खाते हैं। पीछे फाफड़ा बन रहा था, अभी जलेबी लगवाएंगे। ये जलेबी पूरे दिन चलती है क्या? हाँ, नाम ही जलेबी हाउस है तो इधर लोग जलेबी खाने आते हैं दूर दूर से। हाँ, क्या रुपये रेट रहता है जलेबी? 540 रुपये किलो। और फाफड़ा? 460 रुपये किलो। 460 रुपये। कुछ पीस ना एकदम करारे कर देगा, एकदम लाल करारा। आपका कितना टाइम हो गया बनाते हैं? चौबीस साल। किलो का एक पीस बनाने में तजुर्बा चाहिए, वो ऐसे नहीं बना सकते कि मतलब 6 महीना बनाया तो बना लो। मुझे तवड़ी बनाना है। हाँ, पूरा पूरा बैठ जाता है ना, इसको तवड़ी बोलते हैं। 7:30 से शाम को 8 बजे। तो सुबह भी फाफड़ा मिलता होगा? हाँ, सुबह सुबह घर जलेबी फाफड़ा खाओ, दुकान खोलो, मजा नहीं लाइफ। जलेबी आ गई थोड़ी, एक प्लेट में ना 2-4 पीस जलेबी डाल देना। अरे इधर पूरा कार्यक्रम रेडी है, जलेबी इधर निकलेगी तो आपको दिखाते हैं। 2-4 पीस जलेबी डाल दो। हाँ, और फाफड़ा एक कोने में जलेबी कर दो। बाहर देखा पपीता ना क्रश कर रहे थे, तो क्रश नहीं खुरच रहे थे, कद्दू का डब्बा मसाले का कस कर रहे थे। ये मैं पकड़ लेता हूँ, ये आप पकड़ लीजिए। आ जाओ हम बाहर चलते हैं, बाहर जाके खाते हैं। आइए दोस्तों टेस्ट करते हैं गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा। भाई वो तो फाफड़ा खाया, सिर्फ जलेबी फाफड़ा कैसे खाते हैं? जलेबी ली, थोड़ा सा जेठालाल की तरह फाफड़ा लिया, और ये ज़्यादा ही अगर एम्बिशियस हो रहे हो तो एक मिर्ची का पीस लिया, और ये जलेबी फाफड़ा सैंडविच इन्वेंटेड बाय वेजी पाजी। पहले किसी ने बनाया मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार खाया। कहीं पे भी घूम लो जो देसी मीठे का टेस्ट आता है ना, जो मज़ा आता है, जो सो नाइस। साथ में पपीते की चटनी भी दी है। सुबह दिन चालू करो इससे, शाम को दिन इससे ख़त्म करो, और क्या मज़ा नहीं लाइफ। फिलहाल हम लोग वीडियो का ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर संडे आती है वेजी पाजी पे मुंबई की गर्दी, बात करेंगे किसी और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो में।